जिन लड़कियों ने ये फिल्म बनाने के लिए हमें मजबूर किया था वो संख्या में तो बहुत है। आज कुछ हमारी बहन इधर आई हुई है, आपसे मुलाकात होगी। मैं सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट बता दूं जो बिना बताए इस फिल्म की जड़ कहाँ है वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आपके आपके साथ मुलाकात होगी श्रुति की, चित्रा की, अथीरा की। मैं जब पहले बार श्रुति चित्रा से मिलने गए थे एर्नाकुलम शहर से थोड़े दूर एक छोटा सा जगह पे उनकी घर था, उस घर में बिजली नहीं थी क्योंकि बिजली काट दिया गया था। और ये लोग जब खाना बनाने के लिए सब्जी लेके आते थे उनकी बैग छीन लिया जाता था। रात रात भर बिना खाए बिना बिजली की ये लोग दिन बिताते थे। जब मैं इंटरव्यू करने गया था, ये 2015-2016 की बात है, दरवाज़ा की दो दरवाज़ा की जो पार्ट है इतना सा स्पेस था जिनमें से लाइट आ रहा था, उसी लाइट में मैंने इन लड़कियों की इंटरव्यू किया था। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी इमोशन की, इनकी खुलेपन की, इनकी आज़ादी की जिस तरह लोगों ने मिसयूज़ किए और उनको इस मुकाम में खड़ा कर दिए थे, वही था हमारी इस फिल्म बनाने की इंस्पिरेशन। देखिए ये 26 लोग में कोई भी ISIS के ओर नहीं गए हैं, मगर उसके भी ज़्यादा वहाँ नहीं गए, मगर हमारा संरक्षण नहीं, हम नहीं संरक्षण दिए तो हम आर्ष विद्या समाज और आचार्य जी हम सब लोग मदद नहीं किए तो उन लोगों का साथ भी ऐसा ही होता था। माइट हैव हैपेंड समथिंग विद देयर लाइफ विद आवर लाइफ। आज हमारा दिन नहीं है, इन लड़कियों का दिन है, तो जितना प्यार आपने मुझे दिया है आप प्लीज़ इनको दीजिए। हमारी फिल्म को इतना प्यार देने के लिए, यहाँ आने के लिए, और थैंक यू सो मच आप लोगों को, आप यहाँ आए हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इन लोगों से मिल पा रही हूँ आज। बस इतना ही बोलना चाहूँगी, थैंक यू। बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इस मूवमेंट का मैं पार्ट रह सकी, और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी विपुल शाह दादा और आशुन शाह को कि उनकी वजह से ये जो पिक्चर बनी है, जो लोगों तक पहुंची है। और दौलत, शौहरत, नाम, वो तो मतलब एक एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट लाइफ में एक बार ऐसा मौका मिलता है कि आप अपने आप से एक इतना बड़ा काम करो जो लोगों तक पहुंचे और जो लोगों की भलाई करे, और इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती है। अच्छी बात यह है कि सिर्फ फिल्म बना के हमने उसे वहीं नहीं छोड़ दिया, आगे भी जो कुछ हम कर सकते थे वो हम कर रहे हैं। बहुत लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे कि क्या हुआ है, किसी के साथ हुआ भी है या नहीं। आई एम श्योर आधे आंसर्स आपको फिल्म देख के मिल गए होंगे, आधे आज मिल जाएंगे। अभी ऐसी फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए मैं क्या ही करूँ, क्या ही बोलूँ, बिकॉज आई थिंक फर्स्टली एज एन एक्टर बॉक्स ऑफिस जस्ट मीन्स कि और लोग जाके देख रहे हैं आपकी फिल्म। अभी इंटरनेशनली भी रिलीज हुई है एंड फ्रॉम स्वीडन, डेनमार्क, यूके में वो बैन उठाया गया है एंड फाइनली रिलीज कर रहे हैं यूके में, यूएस से। तो उनकी वीडियोज देख के, इंटरनेशनली भी देख के एज एन एक्टर बहुत बहुत खुशी होती है। एंड अभी भी वेस्ट बंगाल में बैंड है, आई होप कि हमारे इंडिया में हर जगह वो दिखाया जाए फ्रीली, ताकि लोग देख के डिसाइड करें कि उनको पसंद आए या नहीं। बट बहुत प्यार मिल रहा है तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक कि रेस्पॉन्स ऑफ द व्यूअर्स हम लोग अभी सब सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, एंड इतने लोग जा रहे हैं, फुटफॉल्स इतने हैं थिएटर में, तो फील्स ग्रेट एंड द रेस्पॉन्स ऑल्सो, आई फील लाइक आई एम लिविंग अ ड्रीम। आई डोंट नो कि ये सपना है कि रियलिटी है।